15 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों के डीए और एरियर की घोषणा न करने से कर्मचारी निराशा है और अब कर्मचारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। खासकर सचिवालय कर्मचारी 21 अगस्त को जनरल हाउस करने जा रहे हैं, जिसमें आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। देखिए, ऐसा है, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, पूर्व में हर हिमाचल दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो या दिवाली हो, प्रदेश के कर्मचारी को आस रहती थी कि सरकार डीए देती थी या जो भी हमारी देनदारी होती थी उसको कोई ना कोई इसमें रूप में देती थी। तो इस बार भी आस लगा रखी थी पूरे प्रदेश के कर्मचारियों ने, यहाँ तक कि सचिवालय सेवा कर्मचारी संघ माननीय मुख्यमंत्री से 12 तारीख को शायद मिला था, 12 या 13 को, तो हमने उनसे अनुरोध किया था कि इस बार आप स्वतंत्रता दिवस पर अपने ससुराल जा रहे हैं, अच्छी बात है, और वैसे तो क्या होता कि ससुराल वाले ज्वाइन को खाली हाथ नहीं भेजते हैं, लेकिन आपने व्यवस्था परिवर्तन का नारा लगाया है तो क्यों ना आप इस बार अपने ससुराल वालों को कुछ दे के आए। तो माननीय मुख्यमंत्री कहने लगे भी क्या, तो मैंने कहा सर, साफ शब्दों में बात है कि आप उनको 4% दे के आना, क्योंकि पूरा कर्मचारी प्रदेश का आस लगाए बैठा है और ये जो 4% है, वैसे तो 12% हमारी ड्यू है, तो हम चाहते हैं कम से कम 4% दे दी जाए। वैसे ही बहुत आज के दौर में बहुत महंगाई हो चुकी है, आप लोग जानते हैं कि एक आलू जो हर घर में बनता है उसकी कीमत भी 50 रुपये किलो मिल रहा है, बच्चों की फीसें बढ़ गई है, दूसरे बहुत सारे खर्चे बढ़ गए, लेकिन महंगाई भत्ता हमारा 1 जनवरी 2023 से पेंड पड़ा है। तो लेकिन जैसा कि आप सबको विदित है कि सरकार ने कुछ भी नहीं दिया, मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि जो सचिवालय है यहीं से पूरे प्रदेश का वो चलता है, शासन चलता है, पूरा प्रदेश सरकार यहीं से चलती है, लेकिन सचिवालय में ही क्लरिकल की यानी कि क्लास 3 की 350 पोस्टें खाली हैं, लॉ ऑफिसर की 18 पोस्टें खाली हैं, पीए प्राइवेट सेक्टर की 70 पोस्टें खाली हैं, क्लास 4 की 250 पोस्टें खाली पड़ी हैं। जब यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा स्टाफ नहीं भरा है, और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे कई इतनी हैवी ब्रांचेज हैं कि हमारा एक जो कर्मचारी है 3-3 सीटों का काम कर रहा है। तो पहली डिमांड तो हमारी यही है सरकार से कि यहाँ पे पोस्टें भरी जाए। मतलब मैं ये भी कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हम नहीं कहते हैं ठीक है सरकार जो कर रही है OSD लगाए, जो चेयरमैन बनाओ, वाइस चेयरमैन बनाओ, CPS बनाओ, हमारे को उससे नहीं मतलब, हमारे को मतलब है अपने हक से, हमारा हक है समय पे मिल जाना चाहिए। आप देखते हैं इससे पहले भी यहाँ पे मंत्री बैठते थे, 11 मंत्री बैठते थे, है ना, लेकिन यहाँ पे 2 मंत्री के लिए अलग से नई बिल्डिंग, अभी माननीय मुख्यमंत्री ने उसका इनॉग्रेशन नहीं किया, उसकी एडिशनल ऑल्ट्रेशन करने के लिए 1 मंत्री ने 40-40-50-50 लाख की एडिशनल ऑल्ट्रेशन हो रही है, क्या जरूरत थी? 2 मंत्री आपके वहां बैठ रहे हैं, पहले भी तो निचली बिल्डिंग में मंत्री बैठते थे, ऐतिहासिक बिल्डिंग है वो, वहां बैठते हैं, लेकिन हमारा जो कर्मचारी, हमारे जो अधिकारी है, ये 2-2 अधिकारी एक कमरे में बैठे हैं। तो हमने अब आज हम ये निर्णय लेने जा रहे हैं कि 21 तारीख को हम बाहर एक जनरल हाउस करेंगे, उसमें हम पहला एक संदेश दे देंगे सरकार को कि देखिए कर्मचारी में बहुत निराशा है, बहुत हताश है पूरा कर्मचारी। ये अलग बात है कि आज NGOs बोल नहीं रहा है, वैसे मुद्दे NGOs के होते थे, लेकिन NGOs आपस में बट रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ लोगों को भी, आप मत बंटो, ये तो सरकार का होता ही है पहला वो काम, डिवाइड एंड रूल, फूट डाल कर रखिए। उन लोगों को सोचना चाहिए जो कर्मचारी नेता बने कि वो एक मंच पे आए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूँ कि आप एक मंच पे आओ यार, पूरे प्रदेश के कर्मचारी, 7 लाख कर्मचारी को आज डीए और उसका एरियर मिलना है, उसमें पेंशनर है। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग TV।